देख पा रहे होंगे जो कि यह जो पानी है पूरा पहुंच चुका है यहाँ पर। ये देख रहे हैं, अगर ये नीचे उतरते, नीचे उतरने के बाद आगे भी जगह था, उसके बाद सीढ़ी के माध्यम से आप मंदिर के पास भी जा सकते थे। लेकिन देख रहे हैं, तो ये देख पा रहे होंगे सामने है गंगा नदी और इस साइड है वरुणा नदी, और वरुणा नदी पर बना हुआ एक पुल है जो कि यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के आदि केशव घाट के पास, ठीक है। और जैसा कि मैं लगातार मैं आपको आपको अपडेट दे रहा हूं कि गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है, कहां तक पानी पहुंचा हुआ है, तो उसी का मैं आपको आज दिखाने वाला हूं आदि केशव घाट के नज़ारे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे होंगे ये सीधे रास्ता चला जाएगा आपका राजघाट के लिए, यानी कि मेन रोड पर, और यही जो रास्ता है नीचे उतरने के बाद आपका आ जाएगा आदि केशव घाट के लिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अभी हाल फिलहाल में ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर और यहाँ का सीन दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देख रहे हैं, ये पहले एक कच्चा रास्ता था और यहाँ पर भी देख रहे हैं पूरा पत्थर बिछाया गया है, और फिलहाल देख रहे हैं पत्थर यहाँ पर मौजूद भी है। और ये भी देख रहे हैं, ये भी है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो चलिए इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ये मार्बल बिछा हुआ है, और इस साइड देख रहे होंगे बैठने के लिए पूरा व्यवस्था है उस साइड। और ये भी देख रहे हैं ये कि ये बना हुआ है पिलर, ठीक है। चलिए इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो कि यह जो पानी है पूरा पहुंच चुका है यहाँ पर। ये देख रहे हैं, अगर ये नीचे उतरते, नीचे उतरने के बाद आगे भी जगह था, उसके बाद सीढ़ी के माध्यम से आप मंदिर के पास भी जा सकते थे। लेकिन देख रहे हैं यह डूब चुका है। चलिए आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। समझ लीजिए सुबह का समय तो झाड़ू लग रहा है, और आगे बढ़ने के बाद ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यह दृश्य, ये पूरा पत्थर का है। और ये है सीढ़ी इस साइड से मंदिर में जाने के लिए। यहाँ से सीन देखिए कुछ इस प्रकार है आदि केशव घाट का। हालांकि अगर ऐसा ही जाते दाहिने साइड से तो आगे था नमो घाट। फेज टू का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि आने वाले समय में आप नमो घाट फेज वन फेज टू होते हुए आ जाएंगे आदि केशव घाट के लिए। ये देखिए आदि केशव घाट। ये देख रहे हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये देख रहे हैं पिलर। फिलहाल दोस्तों उस साइड से, यानी कि आदि केशव घाट से मैं आ चुका हूँ इस साइड, और इस साइड देखिए एक है सामुदायिक शौचालय। और आदि केशव घाट पर यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यानी कि यहीं पर होता है वरुणा नदी और गंगा नदी का संगम। इस साइड देखिए ये है वरुणा नदी और इस साइड है गंगा नदी, ठीक है। तो चलिए आगे से आपको दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये देख पा रहे होंगे सामने है गंगा नदी और इस साइड है वरुणा नदी, और वरुणा नदी पर बना हुआ एक पुल है जो कि आप राजघाट से इस साइड चले जाएंगे सराय मोहाना के लिए। ये देख रहे हैं, और आगे ही बढ़ने के बाद आगे है सराय मोहाना घाट, जिसे तथागत घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ तथागत घाट के पास, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ आदि केशव घाट से सराय मोहाना घाट। इस साइड देखिए ये लकड़ी का ढेर, ठीक है। और ये देखिए
तथागत घाट ग्राम पोस्ट सराय मोहाना। ठीक है, और सरकारी लकड़ी की दुकान तो 250 रुपये जो है वो मन है। तो चलिए इस साइड से हम लोग चलते हैं। चलिए, वैसे तो आप इस साइड से भी जा सकते थे, लेकिन इस साइड से भी एक रास्ता है, मेन रास्ता। फिलहाल देखिए इस घाट का भी निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए पत्थर और गिट्टी मौजूद है। ठीक है, ये देखिए, ये है तथागत घाट, जिसे सराय मोहाना घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये देख रहे हैं, ये पूरा घाट दिखाया तो पूरा कच्चा है, नीचे तक भी जगह था, लेकिन देख रहे हैं गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से पूरा पानी ऊपर आ चुका है। और इस साइड देखिए घाट का निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिए इस साइड एक विश्रामालय बनाया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने पंखा चलते हुए आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।